हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित और स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमारे पास है ये दिवाली अनार और ये है फ्रेंड्स चकरी। तो आज हम इन्हें काट कर देखने वाले हैं कि क्या है इनके अंदर का राज। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर नॉर्मल साइज के दिवाली अनार और चकरी ले ली हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इन्हें काट कर देखते हैं कि क्या है इनके अंदर का राज। तो चलिए, हम पेपर कटर की मदद से इन्हें काट कर देखने वाले हैं। तो चलिए काटते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम दिवाली अनार को काट लेंगे। तो चलिए काटते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे फ्रेंड्स पीछे से काटूंगा, क्योंकि मुझे लगता है पीछे से आसानी से कट सकता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें कुछ मिट्टी जैसा पीछे की ओर भरा हुआ है, ताकि ये इस तरीके से अच्छे से खड़ा रह सके। तो चलिए अब इसे खोल कर देखते हैं। तो मैं इसे यहाँ से काट लेता हूँ। और ये गाइस काफ़ी मजबूत कार्डबोर्ड से बना हुआ है और मुझे नहीं लगता कि ये आसानी से कट पाएगा। और गाइस, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी मोटा फ्यूज दिया हुआ है और सब दिवाली अनार में इतना ही मोटा फ्यूज आता है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं गाइस कितना मोटा फ्यूज है इसका। तो गाइस, मुझे लगता है अभी ये अच्छे से कटा नहीं है। तो चलिए मैं इसे अच्छे से काट लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं गाइस, ये यहाँ पर इसकी बारूद जो है वो बाहर निकल गई है और ये गाइस काफ़ी मजबूती से बना हुआ है। तो कुछ इस तरीके की बारूद है गाइस इसकी। तो इसे हम एक पेपर पर निकाल लेते हैं। तो गाइस, कुछ इतनी बारूद इसके अंदर निकली है, आप यहां पे देख सकते हैं। वैसे इसके पीछे मिट्टी जैसा कुछ लगा हुआ था। तो गाइस, कुछ इतनी बारूद निकली है हमारी दिवाली अनार के अंदर। तो ये कुछ इस तरीके की बारूद है, आप देख सकते हैं। और अच्छी क्वालिटी की गाइस बारूद लग रही है मुझे। तो गाइस, ये होता है हमारे दिवाली अनार के अंदर कुछ इतनी बारूद होती है और ये होता है इसके अंदर का राज, ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो चलिए अब हम दिवाली चकरी को काट कर देखने वाले हैं। इस चकरी को काट कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या निकलता है। तो चलिए काटते हैं गाइस। तो सबसे पहले मैं इन्हें हटा लेता हूँ। तो गाइस, कुछ इस तरीके की कोयल इस चकरी के अंदर होती है और चलिए इस कोयल को हम खोल कर देखते हैं। तो गाइस, ये काफ़ी लंबी है, आप देख सकते हैं ये गाइस 1 से 1.5 फीट लंबी है। तो चलिए अब हम इसे काट कर देखते हैं। गाइस, इसमें जो बारूद निकलने वाली है वो हम एक पेपर पर कर लेंगे। और गाइस, इसमें जो यहाँ पर बारूद है वो मुझे काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लग रही है। और गाइस, मुझे नहीं लगता कि इसमें सारी में इस तरीके की बारूद निकलने वाली है। तो चलिए हम इसे सारी को काट कर देख लेते हैं। चलिए गाइस, इधर देख लेते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं इधर ये कुछ इस तरीके की बारूद है। और मुझे नहीं लगता कि गाइस ये बारूद जलती होगी। जो गाइस अच्छी क्वालिटी की बारूद है वो इधर की ओर ही थी। तो चलिए हम इसे कागज पर इकट्ठा कर लेते हैं। तो गाइस, देख सकते हैं आप, हमारे
चकरी के अंदर कुछ इतनी बारूद निकली है और जो दिवाली अनार के अंदर थी वो इतनी सारी बारूद निकली है। आप देख सकते हैं ये कितनी है और ये कितनी है, तो दोनों में कुछ इस तरीके का डिफरेंस होता है। और चकरी में बहुत कम बारूद निकली है जबकि दिवाली अनार के अंदर बहुत सारी बारूद निकली है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।